गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ। अभी अभी इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज़ आई है और इकोनॉमिक टाइम्स की इस न्यूज़ में ये बात पता चली है सेंटर फॉर मॉनेटरी इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के द्वारा कि केवल अप्रैल के महीने में 27 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। और ये 2,70,00,000 लोग कौन है जिन्होंने अपनी नौकरी गंवाई है? ये है 20 से 30 वर्ष के युवा। जी हाँ, ये भारत की खबर है। 20 से 30 वर्ष के युवाओं में 2,70,00,000 लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं सिर्फ अप्रैल के महीने में। अभी मई के महीने में क्या होगा नहीं पता, जून और जुलाई के महीने में क्या होगा नहीं पता, पूरे साल क्या होने वाला है नहीं पता। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को अभी भी इग्नोर कर रहे हैं, अगर आप अभी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग से नफरत कर रहे हैं, तो आपके पास पछताने के अलावा और कोई उपाय नहीं रहेगा। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगी कि आज से पहले, कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सोचते थे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अब भी आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बुरा सोच रहे हैं, अपनी मानसिकता को बदलने के लिए तैयार नहीं है, उन बुरे अनुभवों को आप ओवरकम नहीं करना चाहते, तो फिर तो भगवान ही मालिक है। आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है और ये बात मैं आपको जरूर बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आपके लिए जरूरी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग भारत के लिए जरूरी है, इस पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को नजरअंदाज ना करें। अभी तो केवल 2,70,00,000 लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है, आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। जो कभी लोकल ट्रेन में चलता था उसका बच्चा स्कूल आज ऑडी गाड़ी में जाता है। ब्रांड न्यू डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर सागर एंड रचिता भामरी। जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, मेरे दोस्त, आपके कुछ दोस्त है कि नहीं है, मेरे दोस्तों ने कहा कि देखो साबुन बेचने वाला आ गया। कुछ कलीग ने कहा सागर भामरी ने अपना करियर खराब कर लिया, और कुछ अफसरों ने कहा बिजनेस करने के लिए तो चालाकी चाहिए, तू तो बड़ा भोला है, कर पाएगा कि नहीं पता नहीं। वो सब आगे की बात कहते, हमें पक्का यकीन था कि सागर भामरी एक दिन बड़ा काम कर जाएगा। सक्सेस आपके लिए एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सक्सेस जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगा, उस दिन कोई माइक लाल आपको रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से। 2008 में मैंने मेरे करियर की शुरुआत की बैंकिंग सेक्टर में। जॉब पर जा रहा था मगर मुझे पता था कि मुझे यहाँ से फ्री होना है। ड्रीम्स बहुत बड़े हैं सागर के भी और मेरे भी, तो मिनिमम की लाइफस्टाइल तो अच्छा ही चाहिए। मुझे याद है तब कोटक की कैंपेन आया करती थी, When you turn 25, what did you do? और मैंने लिख दिया कि When I turn 25, I decided to resign and get started on my own. समझ नहीं आ रहा था मैं लाइफ में करूँ क्या, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे पास, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी मेरे पास। इस तरीके से मैं थोड़ा लुकिंग जोन में आया और तब मेरे लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आई। कुछ भी करना पड़े सक्सेस प्रूफ करके दिखाना था, और इसीलिए वो सक्सेस आया, उसके बिना होता भी नहीं है। मैं बिजनेस साइन कर चुका था वैसे ही, करीबन 9 महीने में हमने क्राउन लेवल अचीव कर लिया, और 3 साल के अंदर हमने हाईएस्ट लेवल जो वेस्टीज में होता है वो अचीव कर लिया। और लाइफस्टाइल की बात करें, वी आर लिविंग आवर ड्रीम लाइफ टुडे। गाड़ी बदल गई, लग्जरी कार 32 महीने में, मैं सोच के भी नहीं आ रहा था।